तक अंकिता लूटेंगी सुशांत के नाम पर लाइमलाइट। बिग बॉस का पूरा सीजन खेल गए सुशांत के नाम पर, अब फिर छा रही अपने एक्स के नाम पर। आखिर अंकिता को अब क्यों आती है सुशांत की इतनी याद? बिग बॉस 17 के बाद अब अंकिता लोखंडे फिल्मों पर फोकस कर रही हैं। हाल ही में रणदीप हुड्डा के साथ रिलीज हुई फिल्म वीर सावरकर में दिखी थी। अब आपको बता दें, टीवी की ये मशहूर एक्ट्रेस एक बार फिर से लाइमलाइट में आती नजर आ रही है। वजह वही पुरानी, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी यादों को लोगों के साथ शेयर करना। पवित्र रिश्ता के बाद अंकिता को कंगना रनौत ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका के लिए कास्ट किया था। हाल ही में अंकिता ने एक मीडिया पोर्टल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि मणिकर्णिका के साथ साथ उनके पास और भी कई बड़ी फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की वजह से उन्होंने इन फिल्मों को करने से मना कर दिया। लेकिन ये सब अब बोलने का क्या मतलब? क्या अंकिता खाली बैठी यही सोच रही है कि फिर से इस्तेमाल करे सुशांत का नाम और छा जाए लोगों के बीच? खैर, कई बार एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स वाला मामला यहाँ होता दिख रहा है। अपने काम के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रही अंकिता लोखंडे ने आगे बताया कि वो सुशांत से शादी करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट को मना कर दिया। अंकिता की रिजेक्ट की हुई फिल्मों में संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्म भी शामिल है। अंकिता का कहना है कि उस समय वो सुशांत के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थी और उनके साथ अपनी शादी के सपने सजा रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हुए कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। जब अंकिता ने संजय लीला भंसाली से कहा था कि मैं फिल्म नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे शादी करनी है, तब उन्होंने अंकिता से कहा था कि उन्हें बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म ना करने का पछतावा होगा। लेकिन अंकिता मानती हैं कि हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले लिए हों, लेकिन उन्हें अपने किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं है। वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उन्हें इन बड़ी फिल्मों के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। साथ ही अंकिता को आज भी ये उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का मौका मिलेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा फिल्म मिलती है या नहीं, पर यूं ही बार बार सुशांत का नाम लेकर लाइमलाइट में आना ठीक नहीं अंकिता जी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।